बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर देना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किधर आया हुआ हूँ, मैं एक भट्टे पर आया हूँ और आज आपको बताऊंगा कि ईंट किस तरह तैयार होती है। पहले मरले से लेकर आखिरी मरले तक ये मैं आपको बताऊंगा। ये पहला मरला है कि ईंटें इस तरह फैला दी जाती हैं बनाकर धूप में, और जैसे ये सूख जाए तो इस तरह इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है, और जब ये इधर तैयार हो जाती है तो इधर से उठाकर अगले मरले के लिए ले जाते हैं। ये जी पहले उधर से ईंटें बनाकर तो फिर इधर लगाते हैं। ये सारा आपको प्रोसीजर बताते हैं। ये सब इस तरह ईंटें लगा के तो फिर इनको ऊपर से कवर करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो नीचे आपको दिखाया जी, उधर वो ईंटें लगा के तो इस तरह ऊपर से कवर करके तो ये सारा ये देख के कोयला डाल रहे हैं इस तरह। ये इधर सब नीचे ये वो कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, ऊपर ये आग जल रही है, ऊपर ये देखें जी ये बने हुए हैं इसे इस तरह। ये देखें ये आग जल रही है, आग ये देखें ये नीचे आग जल रही है तो अग्जा करो उसकी नजर डावे ना। ये देखें तो साथ साथ ये कोला इसमें डाल रहे हैं, ये सब मजबूर लगे हुए हैं जी इधर। ये देखें जी ये सारा एरिया जो इधर सब नीचे कच्ची ईंटें लगी हुई हैं और ऊपर ये इस तरह सारी आग जल रही है। ये देखें ये सारी आग जल रही है, मजदूर लगे हुए हैं वो जिधर लगे हुए उधर अभी आग जल रही है। पीछे आग इन्होंने बंद कर दी है। ये कह रहे हैं कि 6 से 7 घंटों में ये ईंट जो है वो तैयार मुकम्मल तैयार हो जाती है, वो पक जाती है ईंट पक। तो ये प्रोसीजर है। ये ऊपर पहले इसके वो मिट्टी डालते हैं, वो जो इसे केरी इधर बोलते हैं इनकी ज़बान में, फिर कोयला ये साथ साथ डालते हैं ये जो आग जलाते हैं। तो ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है जो भट्टा, ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी चिमनी है वो 138 फीट ऊंची है जी। ये देखें ना जी ये कोयला ला रहे हैं मजदूर इधर, ये बने हुए हैं ड्राम में डालते हैं और आगे ये फिर आग में कोयला डालते जाते हैं जी। ये इनका तरीक़ेकार है। ये देखें जी ये कोयला जो है ये कह रहे हैं कोयटा से आता है जी, जेलम में कोयटा से आता है। ये उसके बाद जी प्रोसेस जो होता है ये इधर ईंट बिल्कुल तैयार है। ये आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखें जी ये इधर अब ईंट बिल्कुल तैयार है। इधर से उठा के फिर वो ट्रैक्टर ट्राली पे या ये इधर जो गधा गाड़ी आम लफ्ज़ों में कहते हैं ये इस पर लोड करके तो जिधर जिधर पहुँचानी होती हैं ये उधर पहुँच जाती हैं। ये बिल्कुल अब रेडी हैं जी। ये इधर भी सब ईंटें तैयार पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, और ये अभी इन्होंने ये जो ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है इनकी इस पे लोड करके तो लेके जाना है। ये बता रहे थे ये जो भट्टा है ये जिग जैग जो सिस्टम है आजकल का वो उस सिस्टम का लगा हुआ है, इसमें एक टाइम अगट्ठी 12 लाख ईंटें तैयार हो सकती हैं। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब के मालो जान में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला सब को कामयाबियाँ नसीब अता फरमाए, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफिज़।